दोस्तों ये है टनकपुर रेलवे स्टेशन। मैंने आपको बहुत सारे लास्ट रेलवे स्टेशन दिखाए हैं, उस लिस्ट में अब एक और रेलवे स्टेशन शामिल होने जा रहा है। दोस्तों अभी मैं हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के टनकपुर रेलवे स्टेशन पर, जिसको ऑपरेट करता है इज्जत नगर डिवीजन। और यहाँ पर भाई आने का रीजन ये था कि ये सेक्शन अभी तक अनकवर्ड था मेरे द्वारा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कवर किया जाए। हालांकि मैंने बहुत सारे अंतिम रेलवे स्टेशन को कवर किया है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। हालांकि वो आने वाले समय में अंतिम नहीं रहेगा, जिस तरीके से योगनगरी ऋषिकेश है वो भी आने वाले समय में टर्मिनल नहीं रहेगा, उससे आगे भी ट्रेन जाया करेगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री स्टेशन तो बाद में इन फ्यूचर टर्मिनल नहीं रहेंगे। मैं इसके अलावा और किस टर्मिनल रेलवे स्टेशन में गया हूँ, काठगोदाम रेलवे स्टेशन मैंने आपको दिखाया है, रामनगर रेलवे स्टेशन मैंने दिखाया नहीं है बट मैं वहाँ गया हूँ, देहरादून रेलवे स्टेशन वो भी मैंने आपको दिखाया है, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन वो भी मैंने आपको दिखाया है, और भी दो तीन रेलवे स्टेशन रह गए होंगे जिनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं फिलहाल एक और नए रेलवे स्टेशन पर, जिसका नाम है टनकपुर स्टेशन को TTU। तो इसकी जो बिल्डिंग है ना भाई, वो बिल्कुल रियल में मंदिर से इंस्पायर्ड है। मेरे को लगता है कि हाँ मंदिर की शेप है, क्योंकि आप जानते हैं टनकपुर लोग इसलिए ही आते हैं क्योंकि पूर्णागिरी माता जी के जो दर्शन है उन्हें करने होते हैं, तो इसलिए टनकपुर वो आते हैं। तो ये है टनकपुर रेलवे स्टेशन का बोर्ड और ये है इसका व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर आप सामने, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं दोनों ही, रिजर्व और अनरिजर्व। तो इस समय आप चाहो तो जनशताब्दी का टिकट ले सकते हो, सामने जनशताब्दी खड़ी है, क्योंकि इसमें करंट में अभी सीटें आ रही है, तो करंट में टिकट यहाँ से जहाँ तक मिल जाएगा। करंट का कार्यालय भी यहाँ पर होगा। अभी चूंकि जानते हैं हम सब मेला चल रहा है, तो इसलिए मेले के लिए यहाँ पर देखो एक स्पेशली यात्री शेड बनाया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मेला यात्री शेड, और इस तरीके से शेड बना हुआ है जो कि काफी बढ़िया है। पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, हालांकि पंखे चल नहीं रहे हैं, हवा से ही घूम रहा है वो भी एक ही पंखा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी है बहुत ज्यादा। तो चलते हैं अभी अंदर का व्यू और दिखाता हूँ मैं आपको, और क्या क्या यहाँ फैसिलिटी आपको मिल जाती है टनकपुर रेलवे स्टेशन पर। हालांकि ये एक लास्ट रेलवे स्टेशन है और इससे आगे फिलहाल तो अभी कोई भी ट्रैक नहीं जाता है। दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टनकपुर क्यों लोग ज्यादातर आते हैं, बट टनकपुर से एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो जुड़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टनकपुर में स्वामी विवेकानंद जी भी आ चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है जो कि मैंने पढ़ ली है, अब आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको भी इसके बारे में नहीं पता लग पाएगा। फिलहाल ये जो बात है वो है 18 जनवरी 1901 की, ठीक है। तो चलते हैं अब अंदर और एंट्री करते हैं। दोस्तों एंट्री करने पर आपको यहाँ पर स्क्रीन तो देखने को मिल जाएगी, बट इस स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ये थोड़ी सी गलत बात है। और यहाँ पर भी वेटिंग एरिया और यहाँ पर ट्रेन की जानकारी, जो कि बहुत लिमिटेड ट्रेन है, तो इसलिए बहुत छोटी सी आपको यहाँ सारणी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट भी बने हुए हैं। तो गाइस टनकपुर रेलवे स्टेशन पर आपको वेटिंग रूम तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म 1 पर। देखो एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और साथ ही साथ एक ये भी लगा हुआ है। तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई भी जो परेशानी है वो नहीं आने वाली है। ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि खाने पीने का भी सामान आपको स्टेशन पर ही उपलब्ध है। और दोस्तों ये खड़ी है टनकपुर जनशताब्दी, जिसकी मैं जर्नी कर चुका हूँ, देख लेना चैनल पर, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इसको देखकर मन तो यही कर रहा है कि इसी ही पकड़ के घर निकल जाऊं अभी, क्योंकि गर्मी ने इतनी बुरी हालत करी है ना कि इस टाइम ब्लॉगिंग करना है इतना ज़्यादा भारी होता जा रहा है लगातार, क्योंकि धूप, मतलब घर से मैं जब निकला था मुझे पता था ऐसा मेरे साथ जरूर होगा, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया ऐसा लग रहा है, देखते हैं आप क्या होता है। फिलहाल अब बहुत मन तो यही है कि भाई निकल जाऊँ, लेकिन पहले देखते हैं क्या डिसीजन रहता है मेरा, ब्लॉग कर दो ये वाला, इसके बाद में सोचूंगा क्या करना चाहिए। तो गाइस ये है लास्ट रेलवे स्टेशन का बिल्कुल लास्ट पॉइंट, और इधर देख सकते हैं आप, अगर थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे तो पहाड़ है यहाँ पर, बट इतने ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा स्मोक हुआ पड़ा है ऐसे कह सकते हैं हम वेदर में। तो ये है टनकपुर, संस्कृत में भी नाम है, क्योंकि आप जानते हैं हमें उत्तराखंड में इस समय, इस वजह से आपको संस्कृत में भी नाम देखने को मिल जाता है। बस ये तो तीनों ही ट्रैक है ना, आगे जाके मिक्स हो जाते हैं जहाँ पे आपको वो कार दिख रही होगी, और बस भाई आगे जाके इनका है दी एंड, अभी कोई भी ट्रैक यहाँ से आगे नहीं जाता फिलहाल। तो ये है, और कुछ एक्स्ट्रा में कोचेस खड़े हैं जिससे कि इन एमरजेंसी, माना जो EOG है वो खराब हो जाए फिर कुछ भी, तो पूर्णागिरी जनशताब्दी के भी कुछ कोच है, और दूसरी ट्रेन जो है हमारी, और ट्रेनें जो चलती हैं यहाँ से जैसे अपनी त्रिवेणी एक्सप्रेस, तो उसके भी कुछ एक्स्ट्रा कोचेस यहाँ पर खड़े हैं। तो ये पूरा सिस्टम है यहाँ का। खैर अब चलते हैं वापस से, मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट दिखा दिया, कुछ इस तरीके से है लास्ट पॉइंट, काफी ज्यादा खतरनाक क्योंकि लास्ट है।
इस वजह से इसके आगे कुछ नहीं है, ओनली पहाड़। तो बात करें अब इस रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ से आपको तीन प्लेटफॉर्म तो देखने मिलते ही मिलते हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। पहले प्लेटफॉर्म वन पर मैं चल रहा हूँ, प्लेटफॉर्म वन पर ही खाने पीने का ज़्यादा सामान है, टू पर नहीं है, टू और थ्री दोनों मिक्स हैं, तो तीन ही प्लेटफॉर्म है टोटल यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कोच इंडिकेशन डिस्प्ले भी लगी हुई है, हालांकि वो काम नहीं कर रही है, तो उसका लगा होना या नहीं लगा होना एक ही बराबर है। और बात कर लेते हैं अब यहाँ से ऑपरेशनल होने वाली ट्रेन के बारे में, तो भाई यहाँ से सिर्फ 11 ही ट्रेनें चलती हैं, और 11 ट्रेनें इतनी कम हैं, बहुत कम, मतलब देखा जाए तो टर्मिनल रेलवे स्टेशन है बट फिर भी 11 ट्रेनें थोड़ी सी कम हो जाती है, लगभग 15 ट्रेनें तो होनी चाहिए थी। तो बात करते हैं अब यहाँ से चलने वाली ट्रेन के बारे में, तो देखो एक ट्रेन यहाँ से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हमारे मुरादाबाद से ही जाती है, जो आपको पता ही है, जिसकी मैंने जर्नी की है पूनागिरी जनशताब्दी। इसके अलावा आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि BEMU ट्रेन जिससे मैं आया हूँ, जिसकी आपने जर्नी देख ली होगी, और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलती है 9, जिसमें दो तो अपनी, एक त्रिवेणी एक्सप्रेस जो कि जाती है शक्तिनगर तक यहाँ से टनकपुर से, और एक जाती है टनकपुर से सिंगरौली, वो भी त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इस तरीके से दो तो त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन है, बाकी इज्जत नगर के लिए आपको यहाँ से ट्रेन देखने को मिल जाएगी, परेडी सिटी के लिए ट्रेन देखने को मिल जाएगी जो ऑपरेट होती है, और इसी तरीके से ट्रेन ऑपरेट होती है, साथ ही साथ यहाँ से मथुरा के लिए एक ट्रेन ऑपरेट होती है, और कासगंज के लिए ऑपरेट ट्रेन होती है। कासगंज से अभी एक ट्रेन आने वाली है जो कि प्लेटफॉर्म 3 पर ऑलरेडी खड़ी है। तो बस यही जगह है जो ये कनेक्ट कर पाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली को टनकपुर से कनेक्ट कर रखा है। और मैंने ये चीज देखी है, उत्तराखंड के जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, वो हमारे देश की राजधानी से कनेक्टेड है, चाहे वो देहरादून रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कोटद्वार रेलवे स्टेशन हो, चाहे फिर वो टनकपुर रेलवे स्टेशन हो, चाहे फिर रामनगर हो, चाहे फिर वो काठगोदाम ही क्यों ना हो। तो ये एक काफी अच्छी बात है कि भाई काठगोदाम पे भले ही जाके ट्रेन की जो लाइनें हैं उनका एंड हो जाता है, बट जो ट्रेन है ना वो दिल्ली तक जरूर जाती है, जिससे आप आगे की जो अपनी जर्नी है वो कर सके, क्योंकि दिल्ली से मोस्टली हर जगह की जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाती है, और आप बस यहाँ से दिल्ली पहुंच जाओ, दिल्ली से तो आप अपनी जर्नी कर ही सकते हो। तो गाइस ये है एकमात्र यहाँ का फुट ओवर ब्रिज, पूरे स्टेशन पर एक ही फुट ओवर ब्रिज आप देख सकते हो, ना इधर है यही है जिस पर मैं खड़ा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर भी डिस्प्ले बोर्ड है जो कि काम नहीं कर रहा है, और इधर है वॉशिंग लाइन, टनकपुर की वॉशिंग लाइन, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सामने आप जो ये कुछ कोचेस खड़े हुए देख रहे हैं ना, यही वॉशिंग लाइन है, और सामने आपको पहाड़ भी देखने को मिल रहे होंगे अब थोड़े थोड़े, क्योंकि थोड़ा सा मौसम बदला है, फीलिंग तो आई है, मतलब मैं ठंड में आ गया तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये जो सामने आप ट्रेन देख रहे हो, यही वो ट्रेन है जिससे हम जाएंगे थोड़ी देर बाद में। तो फिलहाल दोस्तों टनकपुर रेलवे स्टेशन का ब्लॉग के लिए प्लेटफॉर्म 2 और 3 और दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों बात करें टनकपुर के बारे में, तो एक टाइम ऐसा था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीटर गेज की ट्रेन हुआ करती थी, तो कितना ही अलग लगता होगा। हालांकि वो उस टाइम पर मैं कभी, मतलब ऐसे टाइम पर नहीं आ पाया जब मुझे याद रहे वो सारी बातें, बट मैं आया था लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या था वो सब कुछ। फिलहाल बात बस ये है कि कभी ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का इज्जत नगर डिवीजन है ना, वो मीटर गेज में राज किया करता था, हम ऐसे कह सकते हैं कि मीटर गेज उनको बार बार कहता हर सेक्शन पर, लेकिन अब हर जगह से मीटर गेज हट चुका है, ब्रॉड गेज हो चुका है, तो यहाँ पर भी ब्रॉड गेज हो चुका है, बट यहाँ पर पहले कभी मीटर गेज ट्रेन आया करती थी जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लिया करती थी, लेकिन वो भी एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया याद है जिन लोगों ने भी इस पर ट्रैवल किया था मीटर गेज में। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी कह लो, बट यहाँ का जो अनाउंसमेंट है ना उसकी आवाज़ बहुत लाउड है, और ऐसा होना चाहिए जिससे कि सबको पता लग जाए कि भाई कहाँ पर कौन सी ट्रेन खड़ी है। बात करते हैं टनकपुर के बारे में, तो एक और खास बात वो ये है कि टनकपुर रेलवे स्टेशन है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास में, यहाँ से जो नेपाल बॉर्डर वो ज़्यादा दूर नहीं रह जाता है, अप्रॉक्स में शायद 5 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, पास में शारदा नदी भी है। तो टनकपुर रेलवे स्टेशन हम कह सकते हैं कि अभी जो टनकपुर है वो शारदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इस पर मतलब अभी कुछ समय पहले एक अपडेट ये आई थी कि यहाँ से बागेश्वर के लिए जो नया ट्रैक है वो डाला जाएगा, यानी कि टनकपुर बागेश्वर रेलवे प्रोजेक्ट की जो बात थी वो चल रही थी, अभी फिलहाल उसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो प्रपोज किया गया था, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि फिर आपको टनकपुर से बागेश्वर के लिए भी जो ट्रेन की लाइन है वो देखने को मिल जाएगी, और टनकपुर एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, ये फिर एक हॉल्टिंग रेलवे स्टेशन बन जाएगा। और बात करते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन के बारे में, तो भाई जो भी 500 रुपये यात्रा करते हैं तो टनकपुर को स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, अगर आप 500 रुपये यात्रा करना चाहते हैं अगर भारत से, तो ये है
टनकपुर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो फिलहाल दोस्तों बात करते हैं टनकपुर के बारे में, क्योंकि वो फाइनल बात अब होने वाली है। मैंने आपको उसके बारे में सब कुछ बताई दिया है, ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैंने आपको दोनों रीजन इसके बता दिए हैं। और मैंने आपको पूरा रेलवे स्टेशन घुमा दिया है प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर। अभी मैं खड़ा हूँ, 3 ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 1 पर आपको सारी सुविधा मिलती है, 2 पर आपको कोई भी खाने पीने की जो सुविधा है वो नहीं मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद आपको पता लग गया होगा अगर आपको टनकपुर आ रहा है तो आपको कहाँ कहाँ से जो ट्रेन है वो मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको सारी ट्रेन बता दी है तो यहाँ से डिपार्ट करती है। तो फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यही पे, एक और रेलवे स्टेशन, एक और अंतिम रेलवे स्टेशन का जो ब्लॉग है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट स्टेशन पर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।